Hello students, welcome to Adda 24 7. I'm Rebecca and in this video session I am going to teach you question and answers of chapter 6 that has been taken from the book Hornbill and the name of the chapter is The Browning Version, which I told you is a play. And this play is written by Terence Rattigan okay so here in this video session we are covering what we are covering the question answers of this chapter so let us begin one by one we will do all the question and answers of the ncrt book so let us begin with the first question let's see what the first question is asking here we have given the first question क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज संगमेंट ऑन दटीट्यूड शोन बाय टैपलोस टूवर्ड क्रॉकर हैरिस एज आई टोल्ड यू जो टाप्लो है वो कौन है वो एक सोलह साल का लड़का है और उसके एक सर हैं जिनका नाम है मिस्टर क्रॉकर हैरिस राइट जो कि एक मिडिल एज सर हैं यानी कि वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो अपने उसूलों के बहुत ज़्यादा पक्के हैं और वो बच्चों को के साथ सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखते हैं वो बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली नहीं होते तो इस वजह से मिस्टर क्रॉकर हैरिस टैपलो को थोड़े से अजीब लगते हैं बट टैपलो कहीं ना कहीं मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पसंद करता है लाइक करता है That's why, वो इनको इतना ज्यादा अडेयर करता है उनके बातों को इतना ज्यादा मानता है राइट सो so, इस स्टोरी में इस प्ले में आपको क्या पढ़ने के लिए मिला कि टाप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को आ, बहुत ज्यादा अडोर करता है स्टेड ऑफ वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हैं अपने उसूलों के पक्के हैं और किसी की बातों में नहीं आते किसी की बातों को नहीं सुनते तो इससे क्या पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं उन्हें भी पसंद करते हैं कहीं ना कहीं इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ हार्ट राइट ऑल दो टीचर्स स्ट्रिक्ट हों चाहे कुछ भी हों लेकिन हर टीचर का अपना एक एटीट्यूड होता है और उनके एटीट्यूड के लिए उनको पसंद किया जाता है

स्केडस द स्कूल अब ये हमें कैसा पता चला कि वो अपने उसूलों के पक्के है, वो एक है, उनके स्कूल का आखिरी दिन था लेकिन उस आखिरी दिन भी उन्होंने एक बच्चा जिसका नाम टैपलो था उसको होमवर्क देकर के रखा हुआ था कि मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगा जबकि ऐसे डेज में टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो बहुत ही कैजुअल uh, हो जाते हैं एटीट्यूड में राइट right? नाउ टैप्लो इज रिस्पेक्टफुल टू वर्ड मिस्टर हैरिस हाँ वो स्ट्रिक्ट लेकिन फिर भी जो टैपलो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की मिस्टर क्रॉकर हैरिस हिम फॉर हिज प्रिंसिपल और क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस अपने सिद्धांतों के पक्के हैं इसलिए वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पसंद भी करता है ही क्रिटिसाइजेस हिम फॉर अ फीलिंगलेस पर्सन ट रिगार्ड्स रिगार्ड्स मीन रेस्पेक्ट हिम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर्स वो दो चीजें यहां पर कर रहा है पहला चीज एक उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड मिस्टर क्रॉकर हैरिस और दूसरा उसका एटीट्यूड नेगेटिव है पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है कि वो उनको रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो उन्हें उसूलों का पक्का इंसान मानता है दूसरा वो उन्हें क्रिटिसाइज भी करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस के पास इमोशंस नहीं है इज अमोशनलेस पर्सन इज अ फीलिंगलेस पर्सन लेकिन फिर भी वो उन्हें कहता है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट मास्टर है ही इज मोर्टली अफ्रेड ऑफ हैम एंड दे आर नॉट टू कट एक्स्ट्रा वर्क इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म तो वो यहाँ पर दिखाया गया है टैपलो की वो क्रॉकर हैरिस से थोड़ा सा डरता भी है वो उनसे इतना डरता है कि वो आखिरी दिन भी स्कूल के उस काम को नहीं छोड़ना चाहता या उस काम को कट नहीं करना चाहता उस बात को टालना नहीं चाहता जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उससे कही है ओके सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन माई डियर स्टूडेंट आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरी वन अगर आपको टैपलो का बिहेवियर या आप आप लोगों को टैपलो का एटीट्यूड लिखना होगा टूवर्ड्स टॉकर हैरिस तो आप इस चीज को आसानी से लिख लोगे ना विल मूव अड एंड विल लुक फॉर ना द क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर टू दिस इज क्वेश्चन नंबर टू डज फ्रांक सीम टू एनकरेज ऑन हैरिस क्या आपको पूरे प्ले में ऐसा फील हुआ कि जो फ्रैंक है अब फ्रैंक कौन है फ्रैंक एक और टीचर है और ये टीचर थोड़ा सा यंग है और ये बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली रहता है ये बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहता राइट सो आपको बताना है कि जो फ्रैंक है फ्रैंक का जो बिहेवियर था क्या उसके बिहेवियर से ऐसा दिखा प्ले में कि वो टापलो को बढ़ावा दे रहा हो कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को कमेंट करे तो अगर आप देखोगे तो फ्रैंक ने पूरे प्ले में उससे काफी लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन करी है दैट मींस वो टैपलो को सुनना चाहता था फ्रैंक टैपलो को सुनना चाहता था वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में जो बताया जा रहा था उसको सुनना चाहता था इसी वजह से वो बार बार पोक कर रहा था वो बड़े क्लेवरली मल्टीपल क्वेश्चन उससे पूछता ताकि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में अलग अलग तरीके से चीज़ें बताए जो भी उसके मन में है सो क्लेवरली ही हैड डन द टास्क फ्रैंक क्या कर रहा था बड़ी ही चालाकी से अलग अलग सवाल पूछ रहा था और वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में मल्टीपल चीज़ें टैपलो के मन से निकलवा रहा था और इवन वो ये भी एनकरेज कैसा करता हुआ दिखाया गया है वो बढ़ावा कैसे दे रहा है यहाँ पर टैपलो को वो भी मैं आपको बता सकती हूँ जैसे कि आपने देखा होगा एक जगह पर वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज निकालता है और उन्हीं को कॉपी करता है उन्हीं को इमिटेट करता है सो so उस दौरान जो फ्रैंक था उसने कहा कि सॉरी मैंने सुना नहीं जरा दोबारा बोलना और उसके बाद फिर जब वो दोबारा बोलता है इस चीज को तो वो ये कहते हैं कि नहीं मिस्टर क्रोकर हैरिस ऐसा नहीं बोलते हैं सो so, ये एटीट्यूड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि उसे अच्छा लग रहा है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस को टॉन्ट या कॉमेंट किया जा रहा है नाउ हाउ विल यू राइट योर आंसर इन द कॉपी लुक एट दिस ये अग येस फ्रैंक सीम्स टू एनकरेज टैपलोस कॉमेंट्स ऑन क्रॉकर हैरिस ऐसा दिखाई दे रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फ्रैंक एनकरेज कर रहा है टैपलो को कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस पे कॉमेंट करे फ्रैंक क्लेवरली पर्सुएडेड पर्सुएडेड का मतलब क्या होता है मनाना किसी को टैपलो टू टॉक मोर अबाउट क्रॉकर हैरिस बाय आस्किंग सीरीज ऑफ क्वेश्चन तो वो बहुत सारे सवाल करता है टैपलो से और सवालों सवालों में वो बड़ी ही चालाकी से बहुत सारी बातें टैपलो के मन से निकलवा रहा है

टाप लो नॉट टू कीप अ गुड जोक टू हिमसेल्फ बट टू टेल इट टू अदर्स फिर एक और सीन आता है आपकी स्टोरी में जहां पर यह बताया जाता है कि जो टैपलो है वो क्या बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने एक जोक क्रैक किया था जो किसी को समझ में नहीं आया था लेकिन मैं उस जोक पर हंसा था तो वो ये भी कमेंट करता है फ्रैंक कि अच्छा तो तुम इस तरह के जोक अपने मन में नहीं रख सकते तुम्हें इस तरह के जोक्स बाकियों को भी बताने चाहिए तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए सो so, ये जो दो एटीट्यूड हैं दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग तरह की एटीट्यूड कि एक बात को दोबारा दोहराना जो किसी के लिए कॉमेंट था और उसके बाद फिर ये कहना कि जो क्या था हमें भी जोक सुनाओ हमें भी है तो जिस तरह का रिएक्शन चल रहा था फ्रैंक और टैपलो के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हो रही थी उससे साफ दिखाई दे रहा था कि जो फ्रैंक है जो कि यंग टीचर है वो बढ़ावा दे रहा है टैपलो को कि टैपलो क्या करे टैपलो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करे किसको मिस्टर क्रॉकर हैरिस को सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरी वन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर इस आस्किंग क्या पता हैरिस कि किस तरह के इंसान हैरिस हाँ वो स्ट्रिक्ट हाँ वो बच्चों से बहुत ज्यादा बात नहीं करते हाँ वो अपने के, के पक्के हैं लेकिन क्योंकि जो उनकी आदतें हैं उसी की वजह से उनके स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मन ही मन उन्हें पसंद करते हैं सो मिस्टर क्रॉकर हैरिस बाकी टीचर्स की तरह ईजी गोइंग नहीं है फ्रांक नहीं है बहुत सीरियस हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट वो और वो अपनी बातों के पक्के हैं उसूलों के पक्के हैं दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग अबाउट हिम

पोस्टन है जो किसी भी बच्चे के लिए अनबाइल्स डिसीजन नहीं लेते किसी के फेवर में नहीं है वो और किसी के अगेंस्ट में नहीं है वो एंड ही इज़ फीलिंगलेस इन फ्रंट ऑफ देम सो दैट ही कैन ट्रीट एवरी वन इक्वली और वो हर किसी के सामने ऐसे अपने आप को रखते हैं कि उनके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है जिससे वो हर किसी को इक्वल ट्रीट कर सके वो किसी को बहुत अच्छा और किसी को बहुत खराब ट्रीट नहीं करना चाहते बट ही इज नॉट अडेस्ट लेकिन हाँ वो एक सैडेस्ट नहीं है वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करते ना ही वो किसी बच्चे को मारते हैं ना किसी बच्चे को फटकार लगाते हैं जिससे बच्चा डिस्प्लेज में चला जाए या उसको तकलीफ हो उसे दर्द हो तो वो एक सैडस्ट पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी नहीं है बट ही इज सीरियस अबाउट हिज जॉब लेकिन हाँ वो अपनी जॉब को लेकर के बहुत ही सीरियस और गंभीर दिखाई देते हैं मैंने स्केड्यूल्स क्लास ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल ही इज स्ट्रिक्ट अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब उन्होंने आखिरी दिन अपनी क्लास रखी स्कूल के आखिरी दिन तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के उन्होंने जो सोचा है कि उन्हें ये जिम्मेदारी पूरी करनी है तो वो जिम्मेदारी को पूरी करेंगे राइट सो so, यहां पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर ठीक है नि, निखर करके आता है एक टीचर का टीचर जो कि ऊपर से हार्ड और स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे होते हैं वो हमारे भले के लिए ही होते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर एक टीचर का निकल के आया है जो हमें इस प्ले में पढ़ने के लिए मिला आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोग इसको आराम से एग्जाम्स में आएगा तो कर सकते हो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे विच इज रिलेटेड टू टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट अभी हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग दी टेक्स्ट की अब हम लोग टॉकिंग अबाउट दी टेक्स कर रहे हैं जिसमें जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे आपको अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कशन करना था और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने थे सो so, ये है आपका उसका पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है टॉकिंग अबाउट टीचर्स अमंग फ्रेंड्स जब आप दोस्तों के बीच में बात कर रहे हो टीचर्स की तो आपको किस तरह से बात करनी चाहिए आपको क्या लगता है आपके क्या थाट्स हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ही रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टीचर जिसे आप हिंदी में गुरु, गुरु कहते हो गुरु का दर्जा बहुत ऊँचा होता है माँ बाप के बाद अगर दूसरा किसी को दर्जा दिया गया है तो वो गुरु का है राइट तो गुरु क्योंकि हमें चीज़ें सिखाता है तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें कभी उसको बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए किसी और के सामने ना ही हमें किसी और के सामने हमारे गुरु की बुराई करनी चाहिए हो सकता है कुछ है। हमें हमारे टीचर्स की पसंद ना हो और जो हमें अच्छी लगती हो हो वो हमारे टीचर्स ना करते लेकिन उस चीज़ को हम को हम ऐसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए और जब भी हम हमारे टीचर्स के बारे में बात कर रहे हो तो हमें उनका नाम इज्जत से लेना चाहिए सो so, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे टीचर्स के लिए कहीं से भी नेगेटिव हो सो हाउ विल यू राइट इट

स्टूडेंट आर कीन ऑब्जर्वर्स दिस इज ट्रू स्टूडेंट बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं फॉर देम टीचर्स आर देर रोल मॉडल्स उनके लिए जो टीचर्स होते हैं वो उनके रोल मॉडल्स होते हैं मतलब uh, मुझे मेरे टीचर की तरह बनना है जस्ट लाइक दैट मुझे आपकी तरह बनना है राइट एंड दे जज देयर टीचर्स परफॉर्मेंस नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्ट्री और द सबजेक्ट बट ऑल्सो देअर मैथड ऑफ टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स एंड देअर जनरल नेचर एंड बिहेवियर तो जो बच्चे होते हैं ना वो इतना दिमाग चलाते हैं इतने इंटेलिजेंट होते हैं इतने होशियार होते हैं अब आप लोग तो हो ही राइट तो बच्चों के अंदर क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं अपने टीचर को और उनको ये नहीं चाहिए होता कि उनका टीचर सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो वो चाहते हैं कि उनका टीचर बातचीत करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो और पढ़ाने के स्किल्स भी उसके बहुत ज़्यादा अच्छे हों उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो आ, कभी कभी टीचर दिखने में अच्छा होता तो है तो बच्चे और अट्रैक्ट होते हैं फिर वो चाहते हैं कि वो उनसे बात करें उनका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली हो सो मल्टीपल चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं जो उनके टीचर्स को लेकर के उनके दिमाग में होती है जैसे कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए वो स्टूडेंट्स इंट्रैक्ट करें उनका जनरल बिहेवियर और जनरल नेचर अच्छा हो लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है टीचर्स एक जैसे नहीं होते राइट? तो स्टूडेंट्स का जो जज करने का नजरिया है टीचर्स को लेकर के उन्होंने बहुत सारे कि जो टीचर्स हैं उनको हर्ट नहीं होना चाहिए ऑफेंडेड का मीन हर्ट नहीं होना चाहिए टू लर्न द निक नेम विच हैव गिवन देम कभी कभी ऐसा होता है बच्चे अलग अलग नाम देते हैं टीचर्स को है ना होता है आई आई कैन नॉट से दैट कि आप लोगों ने नहीं रखा होगा या हम लोगों ने नहीं रखा था हमारे टाइम पे बिल्कुल रखा था तो टीचर्स के अलग अलग बच्चे नाम रखते हैं ठीक है और शायद वो उनको बुरा भी लग सकता है कुछ नाम बहुत अजीब होते हैं उनको बुरा लग सकता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीचर्स के नाम बच्चे रख रहे हैं तो उन्हें हर्ट नहीं होना चाहिए टीचर्स में सम टाइम थिंक दैट द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड एनी थिंग बट दिस इज़ रॉन्ग कभी कभी टीचर्स को ये भी लगता है कि अरे बच्चा तो कुछ समझ ही नहीं रहा बच्चा तो बिल्कुल बुद्धू है इसके अकल नहीं है ऐसे कुछ समझ में नहीं आता बट इट इज नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट टॉकिंग अबाउट टीचर्स अमंग फ्रेंड्स इज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस इज ट्रू जो बच्चों के बारे में Uh, बात होती है ना जब बच्चे आपस में बैठते हैं और बच्चों के बारे में बात हो रही होती है तो उसी बच्चों की बातों में क्या निकल आता है टीचर्स की भी बातें निकल आती हैं इवन बच्चों को बहुत पसंद होता है टीचर्स के बारे में बात करना वो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया होता है और अगर उन्होंने कुछ बुरा किया होता है उनके अंदर कोई नेगेटिविटी होती है तो उसके बारे में भी बात करते हैं इवन स्ट्रिक्ट पर्सन विन द लव एंड एडमायरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे आर एट देअर प्रिंसिपल्स और अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर है तो भी उसे बच्चे पसंद कर सकते हैं ये हमने इस प्लेस से सीखा अगर वो अपने सिद्धांतों का पक्का है तो अगर नहीं है तो फिर बच्चे उसे अडमायर नहीं करेंगे सो so, ये एक जनरल uh, uh, बातें हैं टीचर्स के बारे में जो बच्चों को नोटिस करनी चाहिए और, और टीचर्स को भी कुछ चीजें नोटिस करनी चाहिए और समझनी चाहिए जो बच्चों के अंदर होती हैं ओके आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर और अगर आपके पास ये क्वेश्चन करने के लिए आएगा तो आप आराम से कर लोगे ना आई वॉन्ट कि आप इस लास्ट क्वेश्चन के ऊपर पांच पॉइंट जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनर यू अडॉप्ट व्हेन यू टॉक अबाउट टीचर्स टू अदर टीचर्स किस तरह की आदतें आपकी होनी चाहिए किस तरह से आप बिहेव करोगे जब आप एक टीचर से दूसरे टीचर की बात कर रहे हो बिल्कुल इज्जत से बात करेंगे हम लोग और uh, बुराई नहीं करनी कमेंट नहीं करना किसी टीचर के ऊपर क्योंकि जरूरी नहीं है कि टीचर आपके हिसाब से जो आप चाहते हो जिस तरीके से आप आ, सोच करके बैठे हो कि टीचर ऐसा होना चाहिए टीचर वैसा हो uh, हर टीचर का एक डिफरेंट एटीट्यूड एटीट्यूड होता है और हर टीचर के अकॉर्डिंग uh, बच्चा या हर बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर नहीं हो सकता राइट right? तो यहां पर आपने क्या करना चाहिए वी शुड नॉट डिस्ग्रेस आर स्टूडेंट्स वी शुड नॉट डिस्ग्रेज आर टीचर्स इट शुड नॉट बी टीचर्स ओके सो वी शुड नॉट डिसग्रेस का मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए हमें टीचर्स की हमें उनके उनकी वर्ड्स बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और पोलाइट भी होना चाहिए वेन वी टॉक अबाउट अ टीचर टू अदर टीचर जब हम जब भी हम लोग एक टीचर से दूसरे टीचर की बात कर रहे हो तो फिर हमें बहुत ही पोलाइट मैनर में बात करनी चाहिए नॉर्मल कर्टसी तो हमारे अंदर होनी चाहिए तमीज़ होनी चाहिए रिक्वायर्स डैट वी शुड एड मिस्टर एंड मिसेस बिफोर द नेम ऑफ द टीचर जब हम टीचर्स के बारे में बात कर रहे हो तो उनका नेक नेम ला लें और उनका नाम इज्जत से लें जैसे कि उनके नाम के आगे मिस्टर और मिसेस जरूर लगा दें या फिर मिस लगा दें एन यूज हिज और हर फुल नेम और उनका पूरा नाम इज्जत से लें A टीचर शुड नेवर बी mentioned बाय द nickname he ही और शी हैज़ बीन गिवन एक टीचर से आपको कभी दूसरे टीचर का निक नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये गलत बात होती है एक गलत ओपिनियन दिमाग में फॉर्म होता है दूसरे टीचर के कि ये बच्चा तो अच्छा बच्चा नहीं है राइट right? और वी कैन से दैट और अप्रोच शुड बी क्वाइट फॉर्मल हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो फॉर्मल होनी चाहिए हम बाइस ढोकर के ना बोले बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खराब लग रहा है इस तरीके से हमें स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए द डिग्निटी ऑफ अ टीचर शुड नॉट बी लोअर्ड बिफोर अनदर हमें एक टीचर के सामने दूसरे टीचर की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए इफ द पर्सन बींग टॉक अबाउट द लैक्स सम क्वालिटीज यू लाइक द मोस्ट हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो उसके अंदर वो क्वालिटीज ना हो जो आप चाहते हो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो फिर भी आपको उस तरह के कोई भी स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए उस टीचर के बारे में जो कि आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन सुनेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा आर कॉमेंट्स शुड नेवर बी डिसरिस्पेक्टफुल और रूड हमारे कॉमेंट्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए कि हम किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर हम खड़ूस टाइप का बिहेव कर रहे हैं ये बैड मैनर होता है टू रन डाउन आवर टीचर्स अगर हम हमारे टीचर्स को बेइज्जत करते हैं उनसे उनको गलत सामने वाले को गलत पोर्ट्रे करते हैं उनकी इमेज रॉन्ग पोर्ट्रे करते हैं तो दिस इज़ अ बैड हैबिट और स्पेशली हमें ये तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब हम दूसरे टीचर के बारे में अपने टीचर की बात कर रहे हो राइट right? क्योंकि वो बहुत ही गलत होता है वी आर नोटस्ड एंड जज्ड एक्शंस। हम लोग जो भी कर रहे होते हैं हम लोग जो भी बोल रहे होते हैं हमारे एक्शंस को जज किया जाता है एज वेल एज हमारे वर्ड्स को भी द अदर टीचर्स में फर्म एंड अनफेवर फेवरेबल ओपिनियन अबाउट अस अगर हम एक टीचर से दूसरे टीचर की बुराई करेंगे तो हो सकता है कि वो एक रॉन्ग ओपिनियन हमारे लिए बनाए हैंस वी मस्ट बी वेरी कॉन्शियस ड्यूरिंग अवर इंटरेक्शन विद द अदर टीचर्स इस वजह से जब हम किसी दूसरे टीचर से बात कर रहे हो तो हम बहुत ही कॉन्शियस होने चाहिए क्योंकि अगर हम कॉन्शियस होंगे तभी हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे कि हमारी इमेज जो है वो बैड बने किसी और फैकल्टी के सामने में सामने या किसी और टीचर के सामने राइट right? सो so, जितना इज्जत जितना प्यार जितना फॉर्मल uh, होकर के आप दूसरे टीचर से एक टीचर की बात करोगे उतना ही अच्छा होगा आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरी वन नाव मूव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर से What is is this question? Reading plays is more interesting than studying science. जो plays होते हैं plays किस hote होते हैं ye आपकी English या Hindi में आपको मिल जाते हैं तो जो kahaniyan होती हैं जो पूरे पूरे प्लेज होते हैं जो पूरे पूरे आपके सीन्स होते हैं उनको आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है या फिर आपको साइंस पढ़ने में आप ये अपने हिसाब से लिख सकते हो मैंने अपने हिसाब से लिखा है बिकॉज आई एम आई एम एन इंग्लिश टीचर सो आई हैव रिटन अकॉर्डिंग टू दैट बट इफ यू फील समथिंग एल्स यू कैन राइट इट इन योर वे ऑल्सो ओके सो जस्ट लुक एट दिस एज आई हैव रिटन साइंस इज द स्टडी ऑफ सम फैक्ट्स जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो हमें फैक्ट्स पता चलते हैं कुछ कुछ कहे अन कहे सच कुछ कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं कुछ रूल्स पता चलते हैं और फिर उन्हें अप्लाई कैसे करना है वो पता चलता है उनकी एप्लीकेशंस इट डिमांड्स फोकस रीजनिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड और जब हम uh, क्या पढ़ रहे होते हैं साइंस पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है क्योंकि अगर हम कुछ भी मिस कर गए ना तो हम गलत कर देंगे उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तो उस वजह से हमें uh, सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना होता है कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है ध्यान लगाना होता है और साथ ही साथ अपनी रीजनिंग स्किल्स का भी उपयोग करना पड़ता है अपनी रीजनिंग स्किल्स को भी यूज़ करना पड़ता है ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ एंड टू सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड टू बैलेंस कॉम्प्लीकेटेड इक्वेशन साइंस में हमें न्यूमरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी होती है जिसकी वजह से हमें अपना बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ करना पड़ता है क्योंकि यही है हमारा आई क्यू टेस्ट भी एक तरीके से हमें कॉम्प्लीकेटेड इक्वेशन सॉल्व करनी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ता है और ये एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं लगता हाँ हालाँकि जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है बट मोर ओवर इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग खपाना पड़ता है वन हैज़ टू बी अलर्ट रेगुलर सिस्टमेटिक एंड पंक्चुअल अगर आपको सच में साइंस पढ़नी है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा आपको सिस्टमेटिक रहना पड़ेगा और आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा भी हेवे गए तो मतलब आप उस चीज को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाओगे जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए ही हार्म होगी राइट right? ना इफ़ वी मिस वन क्लास अगर मान लीजिए हम लोगों ने साइंस की एक भी क्लास मिस कर दी तो हमारा लिंक मिस हो जाता है एक चैप्टर की जो दूसरे चैप्टर से कनेक्टिविटी होती है ना वो हमको समझ में नहीं आती ये क्या चल रहा है अभी हम लोग को फिर से पिछला पढ़ना पड़ता है तब हम आगे वाला समझ पाते हैं ऑन दी हदर हैंड रीडिंग प्लेस प्रोवाइड दस एंटरटेनमेंट वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्लेस को पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा आप, आप, आपको एक एंटरटेनमेंट लगेगा आपके सामने ऐसा लगेगा एक मूवी चल रही है और आप उसको देख रहे हो एंड मोर अम्यूजमेंट और बहुत इंटरेस्ट आता है आपको बहुत ज्यादा मजा मिलता है मोस्ट ऑफ द प्लेस कंटेन अ ब्यूटिफुल प्लॉट एंड अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विद नंबर ऑफ ट्रेड्स या डिफरेंट ट्रेड्स तो आपको क्या मिलेगा प्लेज में बहुत सारे लोग मिलेंगे बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट कहानियाँ मिलेंगी उसमें अलग अलग प्रोफेशन होंगे लोगों के अलग अलग किरदार होंगे लोगों के जो कि उस प्ले में परफॉर्म कर रहे होंगे फिर उनके एक्शन रिएक्शन इंटरक्शन कि कैसे वो बोल रहे हैं कैसे वापस से रिएक्शन आ रहा है और किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं या किस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं जो आपको मजा दे सकती हैं यू विल गेट फन यू विल गेट लाफ्टर आप हंस भी सकते हो आपको

्यूमैनिटी एंड क्विट एब्जॉर्बिंग तो जब हम लोग एकदम होता नहीं ये चलाकी वाले डायलॉग्स अलग, अलग अलग आ रहे हैं मतलब इंस्टेंट रिप्लाई आ रहा है किसी का जिसपे दूसरे पर्सन रिप्लाई कर रहा है हाजिर जवाबी के साथ चलाकी वाले जवाब वो जवाब देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं जो हमने सोचा था उसका जस्ट उल्टा हो गया जो हमारे परसेप्शन के हिसाब से होना चाहिए था उसका जस्ट उल्टा हो गया ये हमें देखने के लिए मिलता है अलग अलग किस्से अलग अलग कहानियाँ कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो किसी की शादी हो रही है तो कोई लव स्टोरी चल रही है तो किसी तरह का कोई कॉन्स्पेरेसी चल रही है सस्पेंस चल रहा है इस तरह से हमें चीज़ें प्लॉट्स में देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पर हमें ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत भी देखने के लिए मिलेगी और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको डाइजेस्ट हो जाए आती है हम इसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं और मन में रख लेते हैं कि नहीं हमें भी कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर्स से जुड़े हुए होना चाहिए वी नेवर फील बोर्ड हमें कभी भी बोरियत नहीं होती व्हाइल रीडिंग प्ले जब हम प्लेस पढ़ते हैं तो एवरी डायलॉग और एक्शन अनफोल्ड समथिंग न्यू हर एक डायलॉग के साथ कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता है एंड वी eagerly wait for what is to follow next और हम लोग बड़े ही इंटरेस्टेड होते हैं कि आप आगे क्या आगे क्या होने वाला है राइट right? तो बहुत ज्यादा समझना नहीं पड़ता बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और आगे के लिए हम लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि क्या होने वाला है वही जो साइंस की स्टडी है वो थोड़ी सी मुझे कहीं कही ना कहीं डल और बोरिंग लगती है क्योंकि उसको जब तक तो कोई अच्छा सा पर्सन समझाने वाला नहीं होगा तब तक तो वो समझ में नहीं आती एज कंपेयर टू द रीडिंग ऑफ दी प्लेस विच आर क्वाइट इंटरेस्टिंग उस किसके कम्पेरिजन में प्लेस के कंपेरिजन में जो मुझे काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है हर कोई अपना अपना अलग अलग थॉट uh, प्रोसेस रखता है तो आप लोगों का क्या थॉट है इसके बारे में आप जरूर मुझे बताइएगा सो डियर स्टूडेंट विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ माइडेंट सेशन आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आगे होंगे एंड इफ यू कि आपको और वीडियोस इस तरह की मिलती रहे तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इफ यू रियली लाइक दिस सेशन डू लाइक एंड शेयर इट एज थैंक यू